हेलो गाइस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रिंग ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स था, वो मैंने ले लिया है और यहाँ पे कुछ पेपर्स ले लिए हैं। उन पेपर्स से मैं जो है ना रोल्स बना लूँगी, जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख रहे हैं। इस तरीके से मैं रोल्स बनाऊँगी जो कि मैं उस पर कार्डबोर्ड पर स्टिक कर सकूँ। तो इस तरह के हमें जो है ना सॉरी रोल बनाने हैं ताकि हम उनके बीच में जो है रिंग को इंसर्ट कर सकें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ, ये देखें इस तरह के रोल्स हमें बनाने हैं। अब मैं यहाँ पे ये कार्डबोर्ड को बॉक्स के साइज़ के हिसाब से काट लूँगी, इस बॉक्स के हिसाब से काट लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कार्डबोर्ड काट के उसके ऊपर ये सारे रोल्स चिपका दिए। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर, मेरे पास एक ये ब्लैक जो है ना क्लॉथ था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं जो है ब्लैक क्लॉथ लगा दूंगी और ये कार्डबोर्ड की मदद से बीच में जो गैप्स थे उनमें मैं ये इंसर्ट कर रही थी कपड़े को। तो पहले तो दो तीन बड़े इजीली हुए, लेकिन उसके बाद फिर एक के बाद एक कपड़ा जो है ना निकलने लगा। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने जो है ना किया कि जहाँ जहाँ गैप्स थे, जहाँ पर मैं क्लॉथ को इंसर्ट कर रही थी, वहाँ मैंने पहले जो है ना ग्लू लगाया, देन उसके बाद मैंने ये कपड़े को जो है इंसर्ट किया, तो वो ग्लू की मदद से चिपक गया। तो अगर आप लोग भी बनाते हैं तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कपड़ा ऐसे ही नहीं इंसर्ट होगा, आपने पहले ग्लू लगाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कि ग्लू लगाने के बाद कितना फिनिशिंग के साथ जो है ना सब लग गया। और फिर बाकी का जो कपड़ा था वो मैंने पीछे की तरफ जो है ना स्टिक कर दिया। और अब मैं इसको बॉक्स में डाल दूँगी, और बॉक्स में हम इसको स्टिक नहीं करेंगे क्योंकि जब हमारा दिल करे हम इसको निकाल सकते हैं।